morning dear kids. Now we'll do Hindi verb. So students, in Hindi, first of all what we have to do? We have to read our book. Okay? You have to open your book and read all pictures name. आपको अपनी हिंदी की बुक खोलनी है और उसमें जितने भी पिक्चर्स के नेम हैं, अभी हम स्वर कर रहे हैं तो स्वर में जितने भी पेजेस हैं आपके, वो सब आपको रीड करने हैं, ठीक है, पढ़ने हैं। आज हम पेज करेंगे आई, कौन सा पेज करेंगे आज हम? आई ऐनक, आई ऐनक। ओके, तो आपको आई ऐनक वाला पेज ओपन करना है और उसको रीड करना है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन रीडिंग। ओके, तो ये जो है ये आपका हिंदी बुक का पेज है। तो बेटा इसके अंदर जो आपको पिक्चर दी हुई है वो दो ही पिक्चर है। फर्स्ट वन इज आप बताओ विच पिक्चर इज दिस? दिस इज आई ऐनक, आई ऐनक। सी इट इज रिटन हियर आई ऐनक। एंड दिस वन इज आई एरावत, आई एरावत। ओके, एंड सी टू वर्ड्स आर रिटन हियर आल्सो, आई एलान, आई एलान। आई ऐसा, ऐसा। आप मम्मा को कभी कभी बोलते हो ना, मम्मा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मम्मा मुझे ऐसा ही करना है ना? और मम्मा भी कभी कभी आपको बोलती है बेटा ऐसा मत करो, है ना? सो आई ऐसा, ओके, एंड आई एलान। आई एम्बुलेंस भी होता है, मैम अभी आपको पिक्चर दिखाएगी। आई एम्बुलेंस, आई एक्सरे, आई एक्सरे। ओके, ये सभी पिक्चर्स मैम अभी आपको दिखाएगी और आपको वो सारी पिक्चर्स ने बुकलेट्स में से भी रीड करने हैं। ओके बेटा, सो लेट्स मूव ऑन राइटिंग पेज। ओके स्टूडेंट्स, टुडे विल डू दिस पेज। ओके, दिस इज आई ऐनक, आई ऐनक। सो बी रेडी एवरीवन। नाउ जैसा कि हमने अभी रीड भी किए थे, सभी जितनी भी इसके से संबंधित जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सब इसमें भी दी हुई है। दिस इज आई ऐनक, आई एरावत, आई एम्बुलेंस, आई एक्सरे। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन राइटिंग वर्क। ओके, तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको पेजेस रीड करने हैं, पिक्चर्स रीड करनी है। एक बार फिर से मैं आपको रीड करा देती हूँ। आई ऐनक, आई एक्सरे, ऐलान। ऐलान क्या होता है बताओ? जो भी आप टीवी देखते हो, सुनो 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 गांव वालों सुनो, ऐसा करके कुछ ऐलान करते हैं ना। जैसे कि अभी कोरोना में भी पुलिस जिप्सीज जितनी भी आती थी वो आपको ऐसा बोलती थी कि आप सब अपने घर में रहें, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको सैनिटाइजर यूज करना है, अपने हैंड्स को क्लीन रखना है, आपको अपने फेस पे मास्क भी लगाना है ना। दैट इज अनाउंसमेंट्स जो भी होती है उनको हम हिंदी में ऐलान बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट इज दिस? एरावत। यस, दिस इज आई एरावत। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग वर्क। सो स्टूडेंट्स सी इन योर बुकलेट, जब आप राइटिंग वर्क करेंगे तो सबसे पहले आपको ये डेट लिखनी है अपने आप के स्मॉल 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 नंबर्स में लिखनी है, ताकि ये डेट जो है आपकी इस लाइन से बाहर न जाए। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक आई ऐनक। सी टू डॉट्स है ना यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ स्टैंडिंग लाइन। पेंसिल को बिल्कुल स्लो चलाना है, यू हैव टू टेक शार्प पेंसिल। ओके, नाउ टर्न विद अ स्लांटिंग लाइन। आड़ी रेखा आपको बनानी है यहाँ पर, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन देन स्लांटिंग लाइन। उसके बाद आपको प्रॉपर डिस्टेंस में यहाँ अपनी पेंसिल रखनी है और स्लोली स्लोली मूव करना है, धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि हमें लाइन पे टच नहीं करना है, उससे पहले ही टर्न करना है। जब आप टर्न करेंगे तो यहाँ से गोलाई से आपको टर्न करना है और सेंटर डॉट की तरफ मूव करना है। ओके, और
से यहाँ पर पेंसिल को उठा लेंगे। उसके बाद स्लिपिंग लाइन, देन इसके ऊपर ये जो मात्रा लगी हुई है ये भी आपको लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर आपको डॉट लगानी है लाइन नंबर 1 पे, और इसके ऊपर पेंसिल को रखना है, देन मूव टच टू दिस डॉट एंड मेक अ स्मॉल सर्कल। आपकी मात्रा लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए, ओके? अगर आपकी लाइन से बाहर मात्रा चली जाएगी तो आपकी फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी, है ना? तो देखो मैम ने लाइन नंबर 1 पे ऊपर वाली मात्रा टच की है, लाइन नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था, 3 और लाइन नंबर 4 का भी हमने यूज किया है, बट लाइन नंबर 5 का यूज हमने आज भी नहीं किया क्योंकि इसमें कोई भी नीचे वाली मात्रा नहीं यूज की गई है। सो अगेन वंस मोर आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, नाउ स्लांटिंग लाइन, कीप योर पेंसिल हेयर, मूव स्लोली स्लोली, नाउ टर्न, मूव टू सेंटर डॉट, स्टॉप स्लिपिंग लाइन, पुट अ डॉट ऑन लाइन नंबर 1, नाउ कीप ऑन लाइन नंबर 2, मेक अगेन अ स्लांटिंग लाइन, क्लोज इट विथ स्मॉल सर्कल, ओके? दिस इज आई एनक, व्हाट इज दिस आई एनक, एक बार और बता दे मैम, चलिए एक बार और मैम आपको बता रही है, ध्यान से सब बच्चों को देखना है और सुंदर फॉर्मेशन करनी है, ओके? स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कीप योर पेंसिल हेयर, मेक अ कर्व, मूव ऑन लाइन नंबर 3, स्लिपिंग लाइन, पुट अ डॉट, कीप योर पेंसिल ऑन लाइन नंबर 2, मूव टू डॉट एंड एंड इट विद द स्मॉल सर्कल। सो स्टूडेंट्स होप यू विल डू क्लियरली, ओके? थैंक यू सो मच।